अभिषेक, मैं अभिषेक आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आप सभी को दिख ही रहा होगा कि आज वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के अंदर वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपका बीटेक और डिप्लोमा की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा या बीटेक है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड, बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस अपडेट है, कहाँ कहाँ आपकी जॉब आई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले पोस्ट देख सकते हैं। नंबर है, पोस्ट का नेम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, यानी इसमें बीटेक चाहिए होगा आपका। और इसमें आपकी 18 से 37 एज है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक है। तो इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन के पास नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज आपके रहा है तो आप भर सकते हैं। बाकी सेकंड पोस्ट फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 18 से 37 एज मांगी गई है, एक वैकेंसी है। और साथ साथ आपके लिए इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब नीचे देखते हैं सब असिस्टेंट। देखिए, सब असिस्टेंट जो पोस्ट होती है वो फ्रेंड्स वो आपकी डिप्लोमा के लिए होती है। तो सिविल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18 से 37 एज है। और बाकी यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखी है, एससी एसटी यूआर वगैरह के लिए सारी पोस्टें आपके लिए बताई गई हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट 42 पोस्ट यहाँ पर आपकी टोटल दिखाई गई हैं। और बाकी इसमें एसेंशियल देख लेते हैं फ्रेंड, डिप्लोमा आपके पास सिविल में होना चाहिए इसमें। और इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं अगली जो पोस्ट है सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 वैकेंसी है फ्रेंड टोटल। यूआर की 12 है, एससी की 6, एसटी की 1 और बाकी ओबीसी वगैरह की हैं। 18 से 37 एज है। इसके लिए आपके पास फ्रेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी स्टेट कॉलेज से 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल वाला लेटर एंटी वाला डिप्लोमा, तो भी आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट, सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी में 12 पोस्ट हैं, इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में मांगा गया है। पोस्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, स्टेट काउंसिल से आपके पास होना चाहिए, 18 से 37 आपकी एज है। अगर आप एस सी एस टी वगैरह या किसी भी अदर में आते हैं तो आपके पास फ्रेंड्स आपके पास क्या नाम है रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। और बोथ मैन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है यूआर ओबीसी के लिए फ्रेंड्स वो 150 रुपये है। और आपकी प्रोसेसिंग चार्ज आपका 50 रुपये लगेगा और प्लस 20 रुपीज़ आपकी टूवर्ड्स, यानी टोटल आपकी फ़ीस जो लगेगी वो अप्रॉक्स 200 रुपये के आसपास लगेगी। बाकी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेसिंग मेंशन अबव शैल बी कलेक्टेड इन द यूनियन बैंक ऑफ स्टेट सेमी डिपॉजिट अकाउंट नंबर। इस अकाउंट नंबर में आपको चालान के थ्रू, आपको यहाँ पर चालान के थ्रू आपको ये एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी है। और बाकी सकते हैं इसका जो बिल होगा वो अपने पास जरूर रखें। मिसलेनियस में देख सकते हैं कि आपका जो इसमें दे रखा है कि कैंडिडेट नाउ इन सर्विस अंडर, मतलब अगर कोई आप समझ सकते हैं कोई भी जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है तो उसे एनओसी देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ साथ उसके लिए क्या इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, देखिए, एम्प्लॉय रीचेज द ऑफिस ऑफ द वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन विद इन नॉट 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर आप लोग को पहुँचना पड़ेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट है आपके इंटरव्यू टेस्ट के लिए। और अगर किसी भी स्टेट में कैंडिडेट मतलब फाउंड किया जाता है कि वो गड़बड़ है या कुछ भी है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट डेट देख सकते हैं 7/4 यहाँ पर आपकी दे रखी है। और बैंक में पैसा जो डिपॉजिट यानी चालान की जमा करने की 8/4 है, यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, ये बात आपको इसमें दिख गई होगी। और ये आपका 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, वेस्ट बंगाल की ये जॉब है। तो फ्रेंड ये छोटी सी अपडेट मुझे जिसमें आपको बताना था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल और आपका और बाकी इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल वगैरह की पोस्टें तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी अपडेट थी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज एक्यू विषय को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो मैं लगातार अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।